जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम आपको ओमेन मिलिट्री पुलिस की जो रैली चल रही है उसकी एक नई अपडेट बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो ओमेन मिलिट्री पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आर्मी भर्ती की कोई भी अपडेट सबसे पहले मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली भर्ती में जो मैंने बेंगलोर की आप लोग की लाइव वीडियो दिखाया था, बेंगलोर सेंटर की वो जो फर्स्ट रनिंग थी उसमें क्या हुआ था, मैंने आप लोग को कुछ उसमें चेंजिंग बताया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने उसमें बताया था कि हाइट 155 ली जा रही है। ठीक है, क्यों ली जा रही है, क्योंकि या वहाँ रैली पे सेंटर पे जो फर्स्ट रैली थी अर्थात जो फर्स्ट राउंडिंग थी, ठीक है, फर्स्ट राउंडिंग में बहुत सारे बच्चों का मतलब कि उल्टा सीधा काम करने के कारण उन सभी पे ऐसा दबाव दिया गया, ठीक है, और उनको रनिंग का भी टाइमिंग कम दिया गया। इस वजह से उनकी हाइट भी ज़्यादा ली गई और रनिंग के लिए टाइम भी कम दिया गया। ठीक है, तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अगर आप लोग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना है, क्योंकि जो वहाँ पे फिजिकल कराने वाले रहते हैं उनके साथ अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो भी आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट राउंडिंग में हाइट भी ज़्यादा ली गई और जो रनिंग के टाइमिंग थी वो भी कम दी गई, ठीक है, फिर वही हम अगर दूसरे दिन की बात करें तो वहाँ पे हाइट क्या थी आपकी, 152 ही ली गई। जी हाँ दोस्तों, 152 ही ली गई थी हाइट, और रनिंग का भी फुल टाइम दिया गया जो नोटिफिकेशन में है, जबकि फर्स्ट राउंडिंग में आपका सभी टाइमिंग भी कम कर दिया गया और हाइट भी ज़्यादा लिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, मैंने बताया अभी कि आप लोग सेंटर पे अच्छे से अच्छे स्वभाव से जाइए और फिजिकल अच्छे स्वभाव से कीजिए। ठीक है, आप लोग की रनिंग की टाइमिंग जो है वो 7.5 मिनट है फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, और 8 मिनट है वो आपकी सेकंड ग्रुप में, ठीक है, यही है ना, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया था। फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ आप पूछ सकते हैं, वही दूसरे और तीसरे दिन सही किया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग के भी साथ ऐसा होता है सेंटर पे तो आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, अच्छे से फिजिकल कीजिए, और अगर कोई और डाउट है, बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आता है, कमेंट आता है एडमिट कार्ड को लेकर, ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो ओमेन मिलिट्री पुलिस की जो ये नई वैकेंसी चल रही है, सेकेंड वैकेंसी है ये 99 पोस्ट के लिए, देखिए इसमें 6 सेंटर बनाए गए हैं, अम्बाला है, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो एक शिलोंग की, ठीक है, शिलोंग की रैली हो चुकी, ठीक, और बेंगलोर की भी रैली हो चुकी, ठीक है, और 12 जनवरी से पुणे की भी रैली स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अर्थात 3 सेंटर की तो रैली कंप्लीट है। और हाँ, अभी बहुत से बच्चों का मैसेज आता है कि 3 सेंटर का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, कौन है, अम्बाला है, लखनऊ है, जबलपुर, 3 सेंटर का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो हाँ, अगर एडमिट कार्ड आता है तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि एडमिट कार्ड शो करेगा इस डेट से इतने बजे से, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, तो उससे उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रेडी रहना है अपने नोटिस के लिए। ठीक है, तो देखिए इन 3 सेंटर की जो रैली है वो आप लोग की रैली जनवरी तक करा लेनी है, जनवरी और फरवरी भी कुछ जा सकता है 10 दिन 5 दिन, क्योंकि फरवरी में ही इसके एग्ज़ाम की घोषणा की गई है, फरवरी में इसकी एग्ज़ाम करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप सारे बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर टाइमिंग क्यों चेंज हो गई, हाइट में क्यों बदलाव हुआ, तो ये बदलाव इसीलिए मिला, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आप लोग को एक एक अपडेट देता रहूँगा। तो वहाँ पे फर्स्ट राउंडिंग में ऐसा हुआ तो मैंने वो भी आपको अपडेट दिया,
और अब जो संशोधन हो गया है, मतलब कि जो आपकी पहले थी टाइमिंग, वो भी इसकी भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें अगर आप पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं आर्मी भर्ती की तो। और हाँ, जो भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आया वो फिजिकल की तैयारी जम के करें, ठीक है, क्योंकि फिजिकल में 100 नंबर लाना है, जिससे आप लोग की अगर रिटेन में भी नंबर कम बनता है तो आप लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। और अगर आप फिजिकल में भी कम नंबर लाएँ, रिटेन में भी कम नंबर लाएँ, तो कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा? 99 पोस्ट ही है ऑल इंडिया के लिए, इसलिए फिजिकल की तैयारी जम के कीजिए। मान के चलिए कि आपकी रैली जनवरी में है, और उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि कब से आपकी रैली है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए, ये बात उनको भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।